हे गाइस, आपका सीता की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन बेसन की रेसिपी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक बैंगन ले लिया है, 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया और 2 चम्मच मैंने दही ले लिया है। और यहाँ 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर, 8-10 कली लहसुन की ले लिए हैं। यहाँ सारे मसाले ले लिए हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक और हींग। चलिए आगे चलते हैं गाइस। मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, अब मैं बैंगन को कट करूँगी इसमें। वैसे मैंने पहले भी इसको धुल दिया था अच्छे से, अब मैं दोबारा भी इसको पानी में ही कट करूँगी, क्योंकि अगर पानी में कट ना करो तो ये काला पड़ जाता है बैंगन। तो अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। तो गाइस देखिए, बैंगन थोड़ा सुपर सा गया है क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था। तो देखिए बिल्कुल साफ बैंगन है, एकदम सफ़ेद चिट्टा हो रहा है। चलिए इसके छोटे छोटे हम पीस कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, रेडी हो चुका है कट के बैंगन। अब मैं इसको एक प्लेट में कर लिया है मैंने। अब एक प्लेट में करने के बाद मैं इसको इसमें ऐड करूँगी बेसन और दही करूँगी। इसके बाद बेसन के बाद मैं दही भी ऐड कर लूँगी जो मैंने लिया हुआ था। तो इसमें मैं दही भी ऐड कर देती हूँ। और दही ऐड करने के बाद अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। पहले लाल मिर्च डाल दूँगी इसमें, यहाँ मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ। फिर हल्दी पाउडर डाल दूँगी। हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूँगी, हींग भी डाल दूँगी। तो सारे मसाले यहाँ ऐड कर दूँगी। सो गाइस, मैंने यहाँ सारा सामान डाल दिया है। यहाँ हरी मिर्च 2 थी तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए हैं। और ये डाल के अभी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं प्याज टमाटर की तैयारी। तो यहाँ मैंने लहसुन कट कर लिया, प्याज कट कर ली थी और टमाटर भी कट कर लिया था। तो अब इनको साइड में रखेंगे और चलते हैं गैस की तरफ। सो गाइस, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसको फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसको गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसमें तो तेल डाल देंगे। तो सरसों का तेल मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और फिर डालने के बाद इसको अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि सरसों का जब तेल होता है वो थोड़ा कच्चा सा होता है, इसमें स्मेल आ जाती है, इसलिए हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया, मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। तो अभी हम तेल को पका लिया अच्छे से और अब हम इसमें जो मैंने बैंगन में ही सारा सामान डाला हुआ था, तो अब मैं इसको इसमें फ्राई कर दूंगी। तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ और डालने के बाद इसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूंगी, तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट बनेगा। तो ये मैं इसको सारा इकट्ठा करके इसमें अच्छे से इसको चला लूँगी और चलाने के बाद मैं इसको सारे अच्छे से फ्राई कर। सो गाइस, मैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर दिया। मैं इसको एक प्लेट से ढक दूँगी ताकि ये बैंगन अच्छे से हो जाए, तो ये बैंगन गल जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको ढक दिया थोड़ी देर के लिए। अब मैं इस प्लेट को खोल के देखूँगी कि कितना फ्राई हो गया है। तो देखिए गाइस, कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आ रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और देखो इसने जो सब्जी है बैंगन की और बेसन ने देखो कैसा तेल छोड़ दिया, कितने अच्छे से बैंगन फ्राई हो गया, एकदम लाल लाल सा कुरकुरे टाइप का हो गया है। और महक भी गाइस बहुत अच्छी आ रही थी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और गाइस देखिए, बैंगन भी अच्छे से पक चुके हैं और बेसन भी अच्छे से लाल हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब ये सारा बैंगन मैंने प्लेट में कर लिया है। अब कढ़ाई को अच्छे से धुल देंगे। कढ़ाई धुल के वापस मैंने गैस पर रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम फिर से इसमें डालेंगे तेल, जो कि सरसों का तेल है, इसको डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छे से इसको पकने देंगे, जैसे हमने पहले पकाया था ऐसे मैं फिर से पकाऊंगी इस तेल को, क्योंकि सरसों के तेल में थोड़ा महक सा आ जाता है, पहले ही बताया था, तो इसलिए इसको दोबारा से हम पका लेंगे। तेल अच्छे से पक चुका है और इसमें हम जीरा डाल देंगे। और जीरा डालने के बाद कटा हुआ लहसुन डाल दूंगी, जो मैंने लहसुन का काट रखा था तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो ये मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो गाइस, लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दूंगी और प्याज को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक प्याज भी ब्राउन ना हो जाए। तो मैं इस चलाती रहूँगी इसको और अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। अब प्याज ब्राउन हो गई है तो यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं और टमाटर को मैं इसमें प्याज में डाल दूँगी और टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो गाइस, थोड़ा सा इसमें अब मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने जो मैंने बैंगन फ्राई करी थी तो उसमें मैंने मसाले बहुत ज़्यादा ऐड कर लिए थे। तो इसमें मैं बहुत थोड़ी डालूँगी, कलर के लिए डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और नमक डालूँगी इसमें स्वाद अनुसार, जितना भी मैं नमक खाऊँगी। तो देखो इसमें मैं स्वाद अनुसार डाल दिया है, आप जितना नमक खाते हो तो आप अपने हिसाब से डाल देना। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दूँगी, वो भी थोड़ा थोड़ा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और अब मैं इसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ। तो और लाल मिर्च डालने के बाद मैं इसको
थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। तो यहाँ मैं अच्छे से चला रही हूँ और इसको तब तक भूनूंगी जब तक टमाटर गल ना जाए। अब टमाटर गल चुके हैं तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो बचा हुआ दही था वो डाल दूँगी। दही से अच्छे से टेस्ट आ जाएगा इसमें मसाले में, तो इसलिए मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी फिर से। सो गाइस देखिए ये अब कितना अच्छे से भून चुका है और ये मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी जो मैंने बैंगन भुने थे वो मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगी। तो मैं इसमें अब इसमें डाल के और इसको अच्छे से टमाटर प्याज वगैरह में सारे में अच्छे से फ्राई कर लूँगी फिर से। तो इसको मैं डाल देती हूँ और फिर अच्छे से इसको कचली से मैं चलाऊँगी। तो इस देखिए मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ और ये अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा ढक के रख देंगे। तब इसको अच्छे से पहले सारे मसाले को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि सारे मसाले इसमें मिल जाए। सो गाइस देखिए कितने अच्छे से मसाला मिल चुका है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। सो गाइस 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको प्लेट को हटा के देखते हैं सब्जी। तो देखिए गाइस कितना अच्छे से बनी हुई है और देखो आज कितना तेल छोड़ रही है और देखो कितना टेस्टी लग रही है देखने में। और गाइस आप यकीन नहीं मानेंगे इतनी अच्छी महक आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था खाने के, मैं तुरंत से खा लूँ। तो देखिए कितना अच्छा बन गया, हमारी सब्जी हो गई है रेडी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। सो गाइस एक बाउल में इसको मैं अच्छे से सर्व कर लेती हूँ। तो गाइज़ आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी तो गाइज़ अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जिसको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने घर में बना बना के खाना, बहुत टेस्टी सब्जी है। अगर आपको कोई सब्जी समझ में ना आए तो प्लीज़ गाइज़ आप ये बना के खाना, बहुत यम्मी बनी थी। तो देखिएगा इसका कितना सुंदर आ रहा है, देखने में भी सुंदर है और खाने में बहुत टेस्टी था। तो गाइज़ आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ गाइज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज की फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।